हेलो एवरीवन, मैं हूँ डायटिशियन शिवानी कनिष्क हॉस्पिटल से, और आज मैं आप सबके सामने बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारा होगा सुपर फूड्स। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, 1 सितंबर से न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करना शुरू किया है। वो हम 7 सितंबर तक करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए करते हैं, जिससे कि लोग अवेयर हो सके न्यूट्रिशन के लिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही सुपर फूड्स के बारे में। इनको हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। इनको अगर हम डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो हम एक बेहतर लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। सुपर फूड्स होते क्या हैं? सुपर फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको हो गया विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो आइए हम ऐसे ही कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आपका आता है एलिमेंट्स, यानी कि बादाम। बादाम में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। सेकंड हमारा आता है बनाना, जो कि पोटेशियम रिच होता है। वो हमारा बीपी रेगुलेट करने में मदद करता है। थर्ड आता है आपका वॉलनट, यानी कि अखरोट। उसमें ओमेगा 6, विटामिन B6, फॉलिक एसिड एंड फास्फोरस होता है, जो कि हमें बहुत सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है। फोर्थ आता है हमारा होल ग्रेन, जैसे कि आपका ज्वार हो गया, बाजरा है, रागी है। ये सभी जो मिलेट्स हैं, ये सोल्युबल और नॉन सोल्युबल फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। इनको अगर आप अपने डेली लाइफ रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो हम एक बेहतर लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा ऑलिव ऑयल, इसमें विटामिन ई होता है। ये हमारे जैसे हार्ट डिसीज़ वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह हैं, उन सब डिसीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।